हल्लाबंद कीजिए, ध्यान से आप देखिए कि आपके सामने जो आया हुआ है इस स्टूडेंट को पहचानिए और शायद ये अपना आईडी भी लेकर आया, आईडी दिखाइएगा क्योंकि आईडी प्रूफ भी बहुत बड़ा चीज होता है। ये रेलवे की आईडी है, रेलवे की आईडी है, तो आपको दिखा दिया जाए कि ये ज्वाइन किए हुए हैं इधर ही और ये मेरे गांव से ही बिलोंग करते हैं। तो कहीं से हो मेरा स्टूडेंट है तो सब मेरे लिए बराबर। ऐसे ये है कि मेरे गांव से बिलोंग कर रहे हैं तो ये आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि ये, इसके साथ साथ कई स्टूडेंट अभी ज्वाइन किए, इधर भी ज्वाइनिंग के लिए चार पाँच गया हुआ और कोई ASM में ज्वाइन किया, हमको पता भी नहीं चलता, स्टेशन मास्टर ज्वाइन किया, कोई इस पर गया, कोई गार्ड बना, कोई कुछ बना, वो धीरे धीरे आते जाता तो पता चलते जाता इसमें नौकरी हो रहा है। और ये लड़का है 2.5 करोड़ में एक सीट रिजर्व करने वाला है, 2.5 करोड़ पिछला बार फॉर्म भरा था उसमें 2.5 करोड़ से भी थोड़ा 19-20 था, तो 2.5 करोड़ आदमी फॉर्म भरा था, उसमें से एक सीट रिजर्व किया, उसमें 1,19,20 हुआ है, 1,00,000 के करीब फाइनल किया गया है तो उसे रिजल्ट दिया, यानी 249 लाख फाइल हुआ और 1,00,000 में एक नौकरी ये ले लिया, समझ रहे ना, 249 लाख फाइल हो उसमें नौकरी इनकी, तो ज्वाइनिंग भी करके आए हुए हैं। तो हमको बेहद खुशी हो रहा है कि मेरा स्टूडेंट मेरे पास पढ़ाई करके उस मुकाम को हासिल किया जो हम नहीं कर पाए, असमर है ना, इसीलिए बेहद हम खुश हैं कि जो हम नहीं कर पाए लेकिन हम उस स्टूडेंट को सामने पाकर खुश नसीब होते हैं और खुश होते हैं कि उस पोस्ट पर गया कि बाई चांस कभी ज़रूरत पड़े तो हम देखें उसको उस स्टेशन पर जिस स्टेशन पर सफर से हम गुजर रहे हैं, तो और कितना मुझे गर्व होगा इसकी पता नहीं। इसलिए आप सभी भी मेहनत कीजिए और सारे स्टूडेंट से ये निवेदन है कि मेहनत करके बस इतनी सी खुशी हमको दीजिए और ज़्यादा आपसे कुछ नहीं चाहिए, और आप से हमसे ज़्यादा आपका माँ बाप खुश होगा, सबसे ज़्यादा धरती पर खुश होने वाला है तो माँ बाप, और उसके बाद टीचर, उसके बाद फिर कोई और, भाई से भी ज़्यादा माँ बाप और टीचर खुश होते, क्योंकि माँ बाप ने जन्म दिया, बुढ़ापे का सहारा बना और टीचर ने उसको बनाया, तभी तो खुशी मिलती है ना। चलिए अब इससे हम बात करते हैं कि कैसे पढ़ाई किए और मेरे पास कितने दिन पर है और मेरा स्टूडेंट है कि नहीं है ये भी जान लें, कहीं पैसा कौड़ी दे के तो नहीं बुलाए हैं इसको, ऐसा भी होता है ना, तो इससे बात कर लेते हैं। लीजिए इसको पढ़ लीजिए, आप लीजिए, बताइए अपना परिचय दीजिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, मेरा नाम अजीत कुमार है, मेरा घर लोची है, हम यहाँ सर के पास 2019-20 दो साल पढ़े थे कंटिन्यू, और मेरा क्लास रेगुलर रहता था, हम एब्सेंट ज़्यादा नहीं करते थे, जिसके वजह से हम यहाँ आज पहुँचे हैं। तो ये आप बताएंगे कि आपसे ये सवाल है कि आप मेरे पास पढ़ाई किए तो कहाँ पोस्टेड हैं और कौन सा स्टेशन आपका, कौन सा पोस्ट मिला, ये भी बताइए। मैं पहले फॉर्म रहता हाजीपुर जोन में, मेरा डिवीजन समस्तीपुर है और अभी हम पोस्टेड पूर्णिया कोर्ट में, पूर्णिया हाजीपुर जोन में। तो आपको कैसा फील हो रहा है कि इतने करीब में, घर के करीब में आप नौकरी कर रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है ये बताइएगा, और आपके माँ पिताजी कितने खुश हैं ये बताइएगा। मेहनत इतना किए कि हमको लगा कि हम इतना नज़दीक भरे कि हमको लगा कि हम इस बार सफल हो जाएंगे। चलिए, इससे पहले भी आपकी कहीं रिजल्ट हुई थी? हुई थी, मेरा टेक्नीशियन में हुआ था लेकिन वेटिंग रह गया, इसके बाद फिर अभी तक उसका नहीं आया। यानी इससे पहले टेक्नीशियन हुआ था? यस। उसके बाद फिर ये फाइनल हो गया। और अभी आपका एज कितना होता होगा? मेरा एज 24 साल 5 महीना आज 23 दिन हुआ। 24 साल में नौकरी मिल गई, सोचिए 2 साल ये 2 साल ये तैयारी किया, तो 2 साल तैयारी किया और फॉर्म भरने और एग्ज़ाम देने में 2-3 साल लगा होगा, यानी पढ़ाई जो है मैट्रिक इंटर के बाद ये नौकरी पर आ गया, यानी कि नौकरी की तैयारी करना शुरू किया तब ना रिजल्ट लिया। कुछ स्टूडेंट कहता है कि मेरा एज अभी नहीं पूरा है, हम तो कहते एज जिस दिन पूरे उस दिन आपकी नौकरी होनी चाहिए, उससे पहले तैयारी होगी तभी ना।
तो इसलिए आप सब भी तैयारी करें कि एज जो है, एज कब निकल जाएगा आपका पता नहीं चलेगा, इसलिए मेहनत कीजिए। और ये बताइएगा कि मेरा पढ़ाया हुआ, खास करके हम मैथमेटिक्स और रीजनिंग की बात करेंगे क्योंकि हम मैथमेटिक्स रीजनिंग पढ़ाते हैं, सब जीके जीएस पढ़ाते हैं, तो हड्डी का डॉक्टर चर्मरोग के बारे में नहीं बोले तो बढ़िया है। तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग आपके एग्ज़ाम में जो मिला था, तो जितना हम पढ़ाए थे, जितना आपके कॉपी में हम प्रिंट किए थे, उससे कितना लड़ा थी ये बताइए। सर जो मैथ और रीजनिंग पढ़ाए थे हम, टोटल कॉपी अभी भी मेरे पास है और वही कॉपी को हम प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहे और सर का रामबाण आज काम आ गया। मैथमेटिक्स और रीजनिंग में कितना आपका सही हुआ दोनों मिला? मेरा 47। 47 और सवाल कितने थे? 100 थे जिसमें मेरा सवाल नहीं, मैथमेटिक्स और रीजनिंग सर टोटल थे सर 50 इधर थे जीके जीएस। यानी 50 में 47 सही किया, 50 में 47 नंबर ये सही कर दिया और मैथमेटिक्स और रीजनिंग में सही किया। क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि जो हम कॉपी में देंगे और वही लड़ेगा, सिर्फ डिजिट बदलेगा वही लड़ेगा। बहुत तो सवाल ऐसा भी लड़ता है जो कि हूबहू डिजिट लड़ जाता, टाइप नहीं बदलता, क्योंकि हमको भी पता है कि हम क्या करवाते। इसलिए आप सभी मेहनत करें। और इसके अलावा एक चीज़ और सवाल आपसे कि मेरे पास पढ़ने के बाद कहीं दूसरे जगह भी आप टेस्ट देने के लिए गए तो वहाँ आपका स्थान बन पाया या नहीं बन पाया? हाँ, हम RCI लोहची में टेस्ट देते थे और सर का ही सवाल हर बार रिपीट उस सेट में होते रहता था। तो आपका नंबर आता था 1-5 या 1-10 में आता था कि नहीं? यस सर, 10 में एनी टाइम जनरल लड़का के साथ में क्वालिफाई करते थे। जनरल लड़का कहीं भी जाइए फाइल नहीं हो, बस आपको मेहनत करने की जरूरत है। लास्ट में क्या बोले? पॉइंट्समैन। अभी स्टेशन पे हम पॉइंट्समैन पूर्णिया कोर्ट में जस्ट स्टेशन पे हैं। आप लोग को कभी कोई दिक्कत हो एग्जाम एग्जाम देने में तो आप कॉल कीजिए, हम वहाँ पे हैं। सब चीज मिल जाएगा, बस नंबर भी मिलेगा, नहीं तो हम है ना, मेरा नंबर है ना, वो मिल जाएगा, हमको फोन करेंगे मिल जाएगा। लेकिन ये सोचिए आपकी एक ना एक दिन आपको भी यहाँ पहुँचना। हम बार बार कहते हैं कि हम स्टूडेंट का वैल्यू नहीं देते, बोलते हैं ना, लेकिन वैल्यू उस दिन होगा जिस दिन आप नौकरी लेकर आइए, उस दिन आपकी वैल्यू होगी। इसलिए ये स्टूडेंट आया नौकरी लेके, तो आपसे भी उम्मीद हम रखेंगे कि आप भी मेरे पास आए और बहुत जल्द आप नौकरी लेकर आइए और मेरा सपना पूरा कीजिए और अपना भी सपना पूरा कीजिए। और विशेष क्या बोले? हाँ, तैयारी बोलिए। क्या सर? तैयारी के बारे में पूछ रहा है, किस तरह से तैयारी कर? तैयारी हम लोग यहाँ पे आते थे पढ़ने के लिए, वहाँ के बाद RCM टेस्ट मारते थे और हम लोग का जागृति कोचिंग है वहाँ पे ग्रुपिंग चलता था। टोटल इस बार 50 लड़का थे, 50 लड़का में लगभग 41 लड़का उस वहाँ क्यूज से निकले हैं। एक स्टेशन मास्टर है, 2 दरोगा हैं, 1 गार्ड हैं, 2 TT हैं और वहाँ के बाद सब ग्रुप डी। समझ लीजिए, लोहची क्षेत्र से 50 स्टूडेंट क्यूज कर रहा है और 41 स्टूडेंट कहीं ना कहीं पोस्टेड हो गए। 41, अब इस पर भी अफवाह उड़ेगा, दूसरा कोचिंग वाला बोलेगा कि इतना कैसे हो सकता है, होता है। जाके देखो, ये लोहची क्षेत्र तो ऐसा है जो कि एक तरह का नामी भी है, डिबिया बार के आदमी खोजता है वहाँ के आदमी को, समझ रहे हो ना, विशेष हम YouTube पर ज़्यादा नहीं बोलेंगे। डिबिया बार के आदमी को खोजता है कि ये कर दो वो कर दो, लेकिन मेहनत करने वाला। और 9 लड़का वही फाइल हुआ होगा, वही 9 लड़का फाइल हुआ होगा जो मन से मेहनत नहीं किया होगा, या थोड़ा थोड़ा के लिए जो छूट गया है अगले बार में मार देगा। क्योंकि ये भी हो सकता है, उसका भी गाना सही है, उसका भी कहना सही है, इससे बेस्ट नौकरी होगा ये भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, रुको, लेकिन मेहनत जो किया है वो फाइल नहीं होगा। एक बार चूका हो सकता है दूसरे बार में वो मार दे, लेकिन अगर बाय चांस कुछ स्टूडेंट ऐसा भी होता है जो कि मेहनत नहीं किया, तो वो 41 लड़का को देखकर उसका भी खून खौला होगा कि मेरा भी रिजल्ट होनी चाहिए। जी सर, हम भी रात में क्यूज में गए थे अपना, तो देखे हम जिस टाइम 40 लड़का थे, अभी 60 लड़का क्यूज में पड़ रहे हैं, अभी 60 लड़का आ रहा है। तो बार बार कहते हैं कि आप ग्रुप डिस्कशन के लिए, ग्रुप डिस्कशन नहीं करोगे तो नहीं होगा। और
ये रिजल्ट के लिए क्या क्या जरूरी है थोड़ा बता दें ये सभी को। बुक छोड़ो, बुक तो जो है वो तो पढ़ना ही सबसे, बुक से कुछ नहीं होता। क्या क्या टेस्ट जरूरी है, ग्रुप डिस्कशन जरूरी है, क्या जरूरी है इसको बताएंगे आप। सबसे जरूरी था प्रैक्टिस सबसे पहले, इसके बाद सेट कंटिन्यू मारना पड़ेगा। उससे क्या होता है हर तरह का सवाल एनी टाइम जो है मिलते रहता है, और क्यूज करना तो बहुत जरूरी है। क्यूज बहुत जरूरी है। आपके क्यूज में क्या नियम था, मोबाइल लेके जाइए और मोबाइल आए, फोन आए तो फोन पर बात कीजिए, ये भी नियम था क्या? नहीं, मेरे भिक्की भैया थे दरोगा साहब, वो सभी लड़का का मोबाइल साइलेंट करवा देते थे। इसके बाद क्यूज के टाइम में कोई किसी का फोन नहीं आता था, कोई फोन नहीं। वो भिक्की दरोगा का नाम लिया, यहीं के स्टूडेंट है वो, भोपाल कुमार है, दरोगा है, यहीं के स्टूडेंट है। लगभग वहाँ से देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से पास किए हुए। अभी वहाँ पे हम लोग के क्यूज में मुकेश भैया थे, जो कि अभी सेकंड लिस्ट में गार्ड में, अभी उसका गार्ड में उसका हुआ है। मेरे चचेरे भाई लगते हैं, वो गार्ड है मेरे गांव का है, मेरे गांव के क्या, मेरे चचेरा भाई, वो गार्ड में उसका फाइनल। क्या बोले? हाँ, स्टार्टिंग में हमको भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ। आपको ये याद है क्या कि आप पहला टेस्ट दिए थे तो कितना नंबर आया था? हम पहला टेस्ट दिए थे, मात्र मेरा 29 नंबर आया। 29 नंबर, सोच लो 29 नंबर लाया तो ये बहुत ले आया। हम मास्टर होके 7 नंबर लाए थे, बोलने में हमको शर्म नहीं लगेगा, बोलने में कोई शर्म नहीं। ये मेरा चेला है, ये 29 नंबर लाया, जो हम जिस दिन जो पहला सेट दिए थे, जिस समय पढ़ाते नहीं थे, 147 नंबर आया था, पढ़े नहीं थे, कुछ नहीं किए हुए थे, 7 नंबर आया था, और वही 7 नंबर वाला तुमको पढ़ा रहा। हाँ, उस समय कुछ नहीं करते थे, सिर्फ मैट्रिक पास किए थे। मैट्रिक पास करने के बाद कुछ पता नहीं था करना क्या है, नहीं करना था, पहला दिन गए तो क्या वह 7 नंबर आ गया तो बहुत आ गया, बहुत 7 नंबर आना क्या, कम मराजी थोड़े होता है क्या, और वही 7 नंबर वाला तुमको पढ़ा रहा। तो मेहनत कीजिए आप, हम तो कहते एक नंबर भी किसी को पहला दिन आ जाए तो डरना नहीं, वही एक नंबर से 7 नंबर हो गया। अंत अंत में क्या कहना चाहते हैं, कुछ संदेश देना चाहते हैं तो बता दें इसको। आप लोग भी जिस तरह हम मेहनत करके सर के पास इस मंजिल पे पहुंचे हैं, उस तरह आप भी मेहनत कीजिए और सर के पास जाके। और चलो एक सवाल और लास्ट में, क्योंकि हमको भी ये सुनकर थोड़ा मोरा तकलीफ होता है कि बहुत आदमी कहता है आप तो सफल हो गए, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, जो इनकी नौकरी है उसे नहीं पूछ सकते हम। बहुत आदमी बहुत अफवाह उड़ाता है कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग वहाँ पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद बहुत इंस्टीट्यूट वाला कहता है कि सब जगह जाओ, ट्रिक सेंटर नहीं जाओ, क्योंकि मैथमेटिक्स और रीजनिंग पढ़िएगा तो ट्रिक से कितना याद कर पाओगे, भूल जाओगे। तो ये कहाँ तक ये सच है कि हम ट्रिक बताते हैं या कुत्ता का नियम बताते हैं, ये बता दीजिए आप। क्या ट्रिक मेरा भारी है या याद करने में आपको दिक्कत हुई थी, ये बताएंगे ट्रिक मेरा क्या है। हम लोग अब मैट्रिक और इंटर का एग्जाम नहीं देंगे, हम लोग को वहाँ एक सवाल का सेकंड में ही जवाब देना है। वहाँ पे कंप्यूटर पे टाइम चलते रहता है, हमको ज़रूरी नहीं कि हम लॉन्ग प्रोसेस बना के हम आंसर बताएं। जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो, जितना ट्रिक से शॉर्ट उतना सवाल दें। और ये कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि मेरा ट्रिक क्या याद होता है या नहीं होता, या भारी है या बहुत आसान है, ये थोड़ा सा बता दें आप। आपका टीचर बोल रहे एक सवाल हमको, हम फंस रहे थे, लेकिन सर का सवाल याद था हमको आयु में, और वो सवाल हम फिर सर का ही सवाल से जो अपना जो बताए थे वही ट्रिक लगाए, और मेरा एक सेकंड में वो सवाल बन गए, और 5 मिनट के लिए उस पर सोच रहे थे लेकिन नहीं बन पा, फिर सर का याद आया कि ये सर जैसे सवाल बताए थे। चलिए आप सभी भी मेहनत करके पहुँचिए, और विशेष शादी ब्याह कीजिएगा तो कार्ड उठ दीजिएगा, ये सब भी बोलिएगा नहीं, भेंट करते आगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सर।